नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे 9वीं और 12वीं के छात्रों के एक स्कॉलरशिप के बारे में। 9वीं और 12वीं तक के पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर है। यह अच्छी खबर आपके लिए तब और अच्छी हो जाएगी जब आप इसको सही मायने में इसका लाभ उठाएंगे। बता दें कि नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के तहत आवेदन अगर आप करते हैं तो आपको इसका लाभ मिलेगा, यानी कि आपको जो है इस स्कीम के तहत कई अहम फ़ायदे मिलने वाले हैं। बता दें कि इस स्कॉलरशिप के तहत देश भर के 1,00,000 मेधावी छात्रों को कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के हर महीने 1,000 यानी कि हर साल 12,000 रुपये स्कॉलरशिप सीधे आपके अकाउंट खाते में भेजी जाती है। बता दें कि सत्र 2021-2022 में कोरोना के कारण इस स्कॉलरशिप का आयोजन नहीं किया गया था, लेकिन अब जब स्थिति सामान्य हुई है तो इसको लेकर आवेदन की शुरुआत कर दी गई है। इस स्कॉलरशिप पाने के लिए कुछ नियम हैं, इससे आपको गुजरना होगा, इसके बाद आप इस स्कॉलरशिप के हकदार होंगे। स्कॉलरशिप के नियमों के अनुसार 7वीं क्लास में 55% अंक पाने वाले अनारक्षित व OBC और 50% अंक पाने वाले SC/ST छात्र ही इसका आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि जिनके अभिभावकों की सालाना आय 1.5 लाख से अधिक हो, लेकिन पिछले साल कोरोना काल के कारण 8वीं कक्षा की परीक्षा नहीं ली गई थी, इसी कारण से इस साल शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने आवेदन करने वाले छात्रों के लिए अंकों की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। बता दें कि इस परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए आपको 1 भी रुपया नहीं देना है। जब आप फॉर्म भरेंगे उस समय आपको 7वीं कक्षा का मार्कशीट, जो कि सरकारी स्कूल का हो, वह दिखाना होगा। साथ ही साथ आपको जाति प्रमाण पत्र, माता पिता का आय प्रमाण पत्र, अगर आप विकलांग हैं तो उसका जो है दिव्यांग सर्टिफिकेट, ये जो है आपको वहाँ पर दिखाना होगा। साथ ही साथ आपका अपना आधार कार्ड तो कंपलसरी है। तो आपके दिमाग में यह चल रहा होगा कि आखिर आवेदन करें तो कैसे करें। इसके लिए आपको सबसे पहले नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के होम पेज पर जाएं। यहां जाने के बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। यहां दिए गए दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद उपक्रम का चयन करें और उसके बाद जारी करें, इस पर क्लिक करें। इसके बाद आप छात्र का पता, स्कॉलरशिप की श्रेणी, योजना का प्रकार जैसे कि स्कॉलरशिप की कौन सी योजना है, उसके बाद आपका जो है लिंक का चयन करना होगा, आवेदक का नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वहां पे दर्ज करने होंगे। इसके बाद आप अपने बैंक का पूरा विवरण दें, जैसे कि बैंक का नाम, IFSC कोड, खाता संख्या। इसके बाद आपसे पहचान का विवरण पूछा जाएगा, जिसमें आप आधार या फिर बैंक खाता संख्या जो है आप वहां पे दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद आप रजिस्टर बटन पर क्लिक करें। इसके बाद मोबाइल नंबर को वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद एक OTP जनरेट होगा। जब आपका OTP का उपयोग हो जाएगा तो उसके बाद आप लॉगिन और फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि आपका जो है यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन को लेकर जो है फॉर्म फिल किया जाएगा। इसके बाद एप्लीकेशन ID और पासवर्ड आपके नाम से जनरेट हो जाएगा। अब जो है यहाँ से फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस ID पासवर्ड को आप याद कर लें या फिर आप कहीं पे लिख लें, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको भविष्य में होने वाला है। इस स्कॉलरशिप की शुरुआत इसलिए की गई है ताकि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के मेघावी छात्र 8वीं कक्षा के बाद पढ़ाई को छोड़ न दें। बता दें कि माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए यह स्कॉलरशिप दी जा रही है, क्योंकि बहुत से ऐसे छात्र हैं जो मेघावी तो हैं लेकिन उनके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वे अपने बच्चों को आगे पढ़ा सकें। ऐसे में उनको बेहतर शिक्षा मिल सके, उन छात्रों के लिए यह एक रामबाण होगा। इस स्कॉलरशिप की परीक्षा मैट और सेट के रूप में ली जाएगी, यानी कि दो अलग अलग विषय होंगे, मैट और सेट। मैट का मतलब हुआ मानसिक योग्यता परीक्षा और सेट का मतलब हुआ शैक्षणिक योग्यता परीक्षा। दोनों ही परीक्षा आपसे 90 सवाल के पूछे जाएंगे। आपको इसके लिए 90 मिनट का समय भी दिया जाएगा। मैट के तहत आपके सोच और क्षमता के बारे में सवाल पूछे जाएंगे, जबकि सेट के तहत आपसे जो है सामाजिक अध्ययन और गणित से आधारित सवाल पूछे जाएंगे। तो ये स्कॉलरशिप जो है 9 से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए है। हालांकि ये भी कहा गया है कि 8वीं कक्षा में अगर आपके नंबर 55% और 50% होने चाहिए तभी जो है आप इसके लिए योग्य हैं, योग्य माने जाएंगे। और दूसरी अहम चीज़,
यह ओबीसी एससी एसटी छात्रों को ध्यान में रखकर यह योजना बनाई गई है, ताकि आठवीं कक्षा के बाद यानी कि मिडिल स्कूल के बाद जब आप हाई स्कूल में जाते हैं तब जो है छात्रों की पढ़ाई न छूट जाए, बच्चे ऊपर तक हायर एजुकेशन कर सके। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस स्कॉलरशिप की शुरुआत की गई है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।